शिवम स्टूडियो प्रेजेंट्स सतिया सत मत छोड़ जोर सत छोड़िया पत जाय ए जी सतरी बांदी लक्ष्मी बीरा फेर मिले लियाय जय शब्दा मारा मर गया रे शब्दा छोड़ो राज जिन जिन शब्द विचारी अरे भई वारा सरी आकाज पेलाजी ने भक्ति को मार्ग बतायो। पेलाजी राक्षस कुल का वेता हातर वे भक्ति का मार्ग पे चालिया, लेकिन हिरण्याकश्यप जी उन्होंने कदी भक्ति का मार्ग पे चालो। हिरण्याकश्यप जी पेलाजी ने भक्ति के मार्ग पे चालवा पे घनी बार मना की दो, वना पे घना जुल्म ढाया, फिर भी वे पेलाजी अपने पिता को सम्मान करता है आनी बात वे कदी हमें नहीं बोलिया। और आज का बेटा ने अगर पिताजी एक थप्पड़ भी मिल दे तो बेटो वेती कोशिश हमें हाथ कर दे, लेकिन वो भी समय हो और आज को समय और वो समय में घणो फर्क है। खम्मा बाबजी हो रहा राजा भरियो निचगर पानी ए आ
अरे पति बेचे तो, अरे पति बेचे तो बिक जाना, मां पुरुषों राता मधरम पे मर जाना, सतपुरुषों राता अरे महापुरुषों का काम देख लो, सतपुरुषों का काम काम देख लो, सतपुरुषों का काम धर्म पे शब्द पे मर जाना, महापुरुषों का काम धर्म पे मर जाना, सतपुरुषों का काम। हेलो राजा हरिश्चंद्र का गुरुजी विश्वामित्र जी सपनामी ने राजा दान मांग ली दो और राजा सपना में वचन दे दो और गुरुजी वचन मांगियो आपो राजभाट और सोना की मोरा। तो राजा राजभाट तो दे दो लेकिन सोना की मोरा ही कमी पड़ी। तो राजा सत पे चाल वाला सत्यवादी हो आनी बात है। राजा काशी का बाजार में जान बिक गयो और काशी का बाजार में लारे रानी तारे देवी बिक गया। वो भी समय हो और आज का समय में अगर पति में कहीं विपदा पड़ जावे, शब्दा पे ध्यान दीजिए थोड़ो। आज का समय में अगर पति पे कहीं विपदा पड़ जावे हाँ, और हाँ, घर की दरियानी ने कहते हैं कि लाथारी नत है, वेसर है, टड्डो है, ए तेरे हाँ देते है, राम नामी है, ये आज थोड़ा पिया की जरूरत पड़ रही है, ये मन दे दे गहने मेलन ना चुकारो कर दू पाचा पिया है ना थाने पाचा लान क्यों बैंक से लेके आओ ना, ये तो मेरे पापा से लेके आई हूँ। तो घर की घरवाली कहे थारो वे तो कर जिए नहीं वे तो कहीं लेनो देनो नहीं है, ये तो मारा पीरू ले नहीं हूँ, मारा माँ बाप गड़ाए लगा है, मारे भैया ने दिए मुझे हाँ, थारो कर्जो चुकाने आवे चुका, मेहनत कर चुका, अगर नहीं चुकाने आवे तो ऊंडो कूड़ो देकर मीने पड़ जाइए, पर मुंह तो ये नहीं दू। आगे कहीं लिखो है खम्मा बाबाजी हो रहा विष्णु एक साधु को भेष बनाया, लारे नारद जी शेर को भेष बनाया। वनी टाइम भगवान राजा को सत्य देखो आते, राजा ने क्यों राजा मैं भूखा हाँ और भूखा साधु ने भोजन कराऊं पुण्य मिले, तू माने भोजन कराना पड़ी। तो राजा क्यों भोजन कराऊं, तो क्यों राजा मैं भोजन यूं नहीं करा, मारा लारे यो शेर है, शेर के मांस चावे और वो भी इंसान को मांस,
अगर अंडी पूर्ति तू कर सके तो मैं थारा टे भोजन करा, बाकी थारा टे भोजन नहीं करा। तो राजा क्यों बिल्कुल मैं आपकी पूर्ति करूं। तो राजा घरे गया और रानी ने जान क्यों के साधु महात्मा आया लगा है और वना के भोजन की व्यवस्था करनी है और वना लारे एक शेर है बंडा लिए मांस की व्यवस्था करनी है। शब्दा पे ध्यान दीजिए, वार्ता तो रोज ही करनी है। हेलो ओ भाई, तो रानी क्यों बिल्कुल मैं व्यवस्था करूंगा। रानी यह बात रतन कुंवर सुन रहे हो, रतन कुंवर क्यों गए, पिताजी मैं कदी काम आऊं, आपका सत के लिए मैं हाजिर हूं। तो राजा रानी अपना बेटा ने एकाएक बेटा ने वेरन शेर ने खिलाई दो, और आज का समय में अगर कहीं बेटा ने कह देवे तो बेटो कह भाई जी मुंह तुम्हारे अटे नहीं डबू, बेटो डबी को नहीं गांव छोड़े नहीं प्रोजा। अणी बात है क्यों है, हारे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वह पहला जेड़ी बात नहीं। खम्मा बावजी हो रा नाम देवरी चान सवाई, कबीर के घर बालत लाई। अरे मीरा रे भाई सजन कसाई, नाम देवरी चान सवाई, कबीर के घर बालत लाई। अरे पवे तो पी जाना मां पुरुषोरा काम धर्म पे मर जाना मां पुरुषोरा का। और आप ही सब जना छावा तो आपनो नाम अमर कर सका, लेकिन आप ही ना हव कारम करना पड़ी, सत का गेला पे चालनो पड़ी, झूठ नहीं बोलनो पड़ी, यदि आपनो नाम अमर वे तो लिखियो है रानी रूपा दे जी। खम्मा बावजी हो रा बोले सतपुरुषों री साकार खोले, नेम धर्म ने रूपा तोले। अरे अमर निशानी कर जाना मां पुरुषों रा काम धर्म पे मर जाना मां पुरुषों रा का। अरे मां पुरुषों रा काम देख लो सतपुरुषों रा काम, मां पुरुषों रा काम देख लो सतपुरुषों रा काम धर्म पे मर जाना पुरुषोरा।
बोलिए सतगुरु दीन दयाल की।